अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार नहीं आती 1989 में तो शायद इस देश में अनुसूचित एससी एसटी एक्ट भी नहीं बनता। जब बाबा साहब कह गए इस देश से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है तो फिर 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक का समय क्यों लगा और आज 1989 के बाद आज तक 2019 खत्म होने को है, क्यों नहीं जातिवाद के विरुद्ध किसी भी सरकार ने बुलंदी के साथ ताकत के साथ कोई कार्यक्रम कोई कानून क्यों नहीं लेकर के आए। आज ये समाज यहाँ जमा हुआ है, आज ये कहने आया इस देश दुनिया को कि आज हम 70 वर्ष पुराने वाल्मीकि समाज नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे देश दुनिया में हम पहुंचे हुए हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम अपने उस वाल्मीकि आदि धर्म की मान्यता मांगने के लिए आए हैं जो इस देश के अंदर सबसे पहला धर्म है। हम नए धर्म की मांग नहीं कर रहे हैं, इस देश का और मुझे लगता है शायद इस दुनिया का पहला धर्म हो। और दूसरी ओर जो रिजर्वेशन बाबा साहब हमें देके गए थे, जो इसमें हमें रोजगार मिलने चाहिए थे, जिसमें हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जिसमें हमें शिक्षा में हमें आगे बढ़ाना चाहिए था इस देश की सरकारों को, वो नहीं बढ़ाया। तो आज हम मांग करने आए हैं कि इस देश के जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें हमें अलग से सेपरेट रिजर्वेशन चाहिए। हम दोस्तों मांग करने आए यहाँ पर कि जो हमारा सफाई कर्मचारी तबका जो इस देश की गंदगी उठाता है उसके विकास के लिए, उसको इस देश से सफाई के काम से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास बोर्ड बनाया जाए। और हम मांग करते हैं यहाँ से कि जितने भी राजनीतिक दल हैं भाइयों, लोकसभा विधानसभा में तो इसलिए आप रिजर्वेशन देते हो क्योंकि वहां बाबा साहब लिख के गए थे, मजबूरी है, घर आके ढूंढ के लेके जाते हो, मगर राज्यसभा में क्यों नहीं देते भाई, इतना ही प्यार है तो हमें राज्यसभा में क्यों नहीं भेजते। हम मांग करने आए पूरे देश भर से कम 15 वाल्मीकि राज्यसभा में ये सरकारें भेजे। दोस्तों आज समय आ गया है, हम ये सांकेतिक ये आज हमने यहाँ पर अपने संत गढ़ों के नेतृत्व में उनके आदेश के ऊपर विश्व वाल्मीकि धर्म संसद के नेतृत्व में आज हम यहाँ जमा हुए हैं। ये हमारा सांकेतिक ऐलान है और हम कहने आए हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम आपको ये भी चुनौती देने आए हैं कि अब हम दिल्ली से लेके पूरे देश में अपनी सरकार बनाएंगे, अपना राजनीतिक हम विकल्प देंगे। दूसरी ओर धर्म हमारा, अगर तुम इज्जत नहीं दोगे हमें तो धर्म है हमारा, राजनीति हमारी, हमें इस देश के उद्योगों में, इस देश के व्यापार में बराबर भागीदारी चाहिए, इस देश की धरती का बंटवारा होना चाहिए। आज देश से 70 साल की आजादी के बाद आज भी इस देश के वाल्मीकि समाज के पास 99% लोगों के पास 1 इंच भूमि नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं एग्रीकल्चर की भूमि दी? क्यों नहीं हमारे घर अच्छे अच्छे बनाए? क्यों नहीं हमें मुख्यधारा से जोड़ा? जब संविधान ने कह दिया, जब संविधान ने कहा शिक्षा दो इनको, रोजगार दो इनको, जमीनें दो इनको, क्यों नहीं दी हमें ये सब चीजें? और आज मैं ऐलान करता हूँ अपने संतों के साम नेतृत्व में, विश्व वाल्मीकि धर्म के नेतृत्व में अपने तमाम साक्षी मान करके कि हम अपने आने वाले समय में 4 राज्यों में जो दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा जहाँ सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज है हम अपनी अपनी राजनीति करेंगे और अपना मुख्यमंत्री अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम अपनी कलम से अपने अधिकार लेंगे, अब हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हमारे पास वकील हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास बड़े बड़े उद्यमी हैं, पूरे यूरोप में 5 लाख वाल्मीकि खड़े हैं। हम इसलिए कहने आए दोस्तों
आज वो वाल्मीकि समाज नहीं है, आज हम तुम्हारे हलक में हाथ डाल के अपना हाथ छीनेंगे अगर तुमने नहीं दिया तो। इसलिए दोस्तों मैं सभी संतों महात्माओं को एक बार फिर प्रणाम करते हुए, मैं अपने तमाम बहन बेटियों को जो आई हैं, माताएं आई हैं, उनको मैं सम्मान देते हुए, तमाम अपने पूरी देश दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारा समाज देख रहा है, उनका मैं धन्यवाद अदा करते हुए मैं आज सभी को कहता हूं कि दोस्तों तैयार हो जाओ, कमर कस लो और हमें आगे लड़ाई लड़नी है। और हमारा मुस्लिम समाज हमें समर्थन दे के गया है और हमें पृथ्वीराज जी समर्थन दे के गए हैं और हमें भारी समर्थन मिल रहा है पूरे देश में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।